इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम इस स्टोरी के एक एक वर्ड का उच्चारण लिखकर इसे ट्रांसलेट करेंगे और इसकी वर्ड मीनिंग आपको लिखकर बताएंगे। लिखने से वो वर्ड मीनिंग आपके दिमाग में ज़्यादा समय तक रहेगी और साथ में हम आपको ग्रामर से जुड़ी, टेंस से जुड़ी छोटी छोटी बातें भी बताएंगे, जिससे आपको इंग्लिश लिखना, पढ़ना, बोलना और समझना और अच्छे से आने लगेगा। मेरी वीडियोस में इस तरह के वर्ड्स, इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं जिसको हम डेली बोलने में यूज़ करते हैं और वो हमें आसानी से याद भी हो जाते हैं। अगर आप हमारी वीडियोस लगातार देखेंगे तो आपको धीरे धीरे इंग्लिश लिखना, पढ़ना, बोलना और समझना अच्छे से आने लगेगा। आज की स्टोरी के माध्यम से हम बहुत सी इंपॉर्टेंट और बहुत सी अच्छी वर्ड मीनिंग सीखने वाले हैं। इसी के साथ आप कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और मैं करता हूँ शुरू इंग्लिश रीडिंग, क्योंकि ये वीडियो ट्रांसलेशन के साथ साथ रीडिंग की भी है। अ लॉन्ग टाइम अगो बहुत समय पहले। अ लॉन्ग टाइम का मतलब होगा बहुत समय। अगो का मतलब पहले, बहुत समय पहले। देयर लिव्ड अ रिच मैन एक अमीर आदमी रहता था। लिव्ड का मतलब होगा रहता था। आ एक, रिच का मतलब होता है अमीर या फिर धनी, मैन का मतलब आदमी। इन अ स्टेट किसी राज्य में। आ का मतलब यहां पर होगा किसी और स्टेट का मतलब होता है राज्य। किसी राज्य में एक अमीर आदमी रहता था। ही वॉज वेरी काइंड बहुत दयालु। वेरी का मतलब बहुत, काइंड का मतलब दयालु। वह बहुत दयालु था। ही वुड डोनेट वह दान देता। डोनेट का मतलब होता है दान देना, दान देना। वुड डोनेट है तो दान देता। अ लॉट ढेर सारा। आ लॉट का मतलब है ढेर सारा या फिर बहुत ज्यादा। टू द पुअर गरीबों को। पुअर का मतलब होता है गरीब। वह गरीबों को बहुत दान देता था। नो वन रिटर्न्ड कोई भी वापस नहीं आता था या फिर लौटता था। रिटर्न का मतलब होगा लौटता था। नो वन कोई भी नहीं। फ्रॉम हिज डोर उसके दरवाजे से। फ्रॉम का मतलब है से, हिज उसके, डोर दरवाजा। Empty-handed खाली हाथ। Empty-handed का मतलब होगा खाली, handed का मतलब हाथ। उसके दरवाजे से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता था। He became known वह जाना जाने लगा। became का मतलब होगा लगा, नोन जाना जाने वह जाना जाने लगा। Among the people लोगों के बीच। among का मतलब होगा यहां पर बीच, people लोगों के। For his generosity अपनी परोपकारिता के लिए। जेनरोसिटी का मतलब है परोपकारिता। वह लोगों के बीच अपनी परोपकारिता के लिए जाना जाने लगा।
एवरीवन बिलीव्ड दैट एवरीवन, सभी, एवरीवन का मतलब होगा सभी, बिलीव्ड मानते थे, बिलीव का मतलब होता है विश्वास करना या फिर मानना, बिलीव्ड है तो मानते थे, दैट कि द मैन वॉज वेरी काइंड, द मैन कि वो आदमी वॉज वेरी काइंड, बहुत दयालु था, यानी वो आदमी बहुत दयालु है ऐसा लोगों का मानना था. दे स्टार्टेड सेइंग उन्होंने कहना शुरू कर दिया. स्टार्टेड का मतलब होगा शुरू कर दिया, शुरू कर दिया. सेइंग कहना, दैट कि, दैट का मतलब है कि, हिज हार्ट वॉज लाइक गोल्ड, हिज हार्ट उसका दिल, हिज का मतलब है उसका, हार्ट का मतलब दिल, वॉज लाइक गोल्ड सोने की तरह था. वॉज का मतलब था, लाइक का मतलब की तरह, गोल्ड सोना. लोग कहने लगे थे कि उसका दिल सोने की तरह था. द गॉड्स वर ऑल्सो वॉचिंग एवरीथिंग, द गॉड्स भगवान भी, गॉड का मतलब होता है भगवान, वर ऑल्सो वॉचिंग, भगवान भी देख रहे थे. वर का मतलब थे, ऑल्सो का मतलब भी, वॉचिंग का मतलब देख रहे. एवरीथिंग, एवरीथिंग सब कुछ, एवरीथिंग का मतलब है सब कुछ. फ्रॉम हेवन स्वर्ग से, फ्रॉम का मतलब है से, हेवन स्वर्ग, भगवान भी स्वर्ग से सब कुछ देख रहे थे. दे वर ऑल्सो वेरी हैप्पी, दे वर ऑल्सो वेरी हैप्पी, वो भी बहुत खुश थे. दे का मतलब होगा वे, ऑल्सो का मतलब भी, वर थे, वेरी हैप्पी बहुत खुश, बहुत खुश. With the rich man, with the rich man, अमीर आदमी से, with का मतलब है से, rich man अमीर आदमी, and or his habit उसकी आदत से, habit का मतलब होता है आदत, of giving देने के, वह उससे और उसकी देने की आदत से बहुत खुश थे. अदर गॉड्स दूसरे भगवान भी, अदर का मतलब है दूसरे, गॉड्स भगवान, ऑल्सो भी प्रेज्ड प्रशंसा करते थे, दूसरे भगवान भी प्रशंसा करते थे. प्रेज का मतलब होता है प्रशंसा करना, प्रशंसा करना, प्रेज्ड है तो प्रशंसा करते थे. द मैन उस आदमी की, इन फ्रंट ऑफ देवराज देवराज के सामने, फ्रंट का मतलब होता है सामने, ऑफ देवराज देवराज के. They all wanted, वो सभी चाहते थे. दे का मतलब है वे, ऑल सभी, वॉन्टेड चाहते थे. देवराज को टू शो, दिखाना, शो का मतलब होता है दिखाना, वो
सभी देवराज को दिखाना चाहते थे दैट कि द मैन हैड अ हार्ट ऑफ गोल्ड, द मैन हैड कि उस आदमी के पास था अ हार्ट ऑफ गोल्ड, सोने का दिल, हैड का मतलब होगा के पास था, के पास था। वो सभी भगवान देवराज को दिखाना चाहते थे कि इस आदमी के पास सोने का दिल था। बट देवराज सेड, बट देवराज सेड, लेकिन देवराज ने कहा, बट का मतलब है लेकिन, सेड का मतलब कहा। फर्स्ट वी हैव टू टेस्ट इट, फर्स्ट पहले, फर्स्ट का मतलब है पहले, वी हैव टू टेस्ट इट, हमें इसकी परीक्षा लेनी है। वी हैव टू टेस्ट का मतलब है परीक्षा देना या फिर लेना, परीक्षा लेना, हमें इसकी परीक्षा लेनी है। वी हैव टू सी, वी हैव टू सी, हमें देखना है। वेदर ही विल रिमेन सो ओपन हार्टेड, वेदर ही विल रिमेन सो ओपन हार्टेड, कि वो इतना खुले दिल वाला रहेगा या नहीं, वेदर का मतलब होगा या नहीं, रिमेन का मतलब होता है रहना, विल रिमेन है तो रहेगा, सो इतना ओपन हार्टेड खुले दिल का, खुले दिल का। इवन इफ, इवन इफ, अगर, इवन इफ का मतलब यहां पर होगा अगर। ही हैज नो मनी, ही हैज नो मनी, जब इसके पास कोई भी पैसा नहीं होगा, हमें देखना है कि ये उतना ही खुले दिल का रहेगा जब इसके पास कोई पैसा नहीं होगा। सो इस तरह, सो का मतलब यहां पर होगा इस तरह, द गॉड्स, द गॉड्स, भगवान वेंट टू द अर्थ, वेंट टू द अर्थ, धरती पर गए, वेंट का मतलब है गए, टू द अर्थ धरती पर, अर्थ का मतलब होता है धरती, इन द फॉर्म ऑफ थीव्स, इन द फॉर्म ऑफ थीव्स, चोरों के रूप में, इन द फॉर्म ऑफ का मतलब होगा के रूप में, के रूप में, थीव का मतलब होता है चोर, एंड लूटेड, एंड लूटेड, और लूट लिया, लूट का मतलब होता है लूटना, लूटेड है तो लूट लिया, लूट लिया, ऑल हिज वेल्थ, ऑल हिज वेल्थ, उसकी पूरी संपत्ति, वेल्थ का मतलब होता है संपत्ति, द रिच मैन, द रिच मैन, वो अमीर आदमी, वॉज बींग टेस्टेड, वॉज बींग टेस्टेड, जांचा जा रहा था या फिर उस आदमी की परीक्षा ली जा रही थी, वॉज बींग टेस्टेड का मतलब होगा परीक्षा ली जा रही थी, द रिच मैन, द रिच मैन, वो अमीर आदमी, बिकेम वेरी पुअर, बिकेम वेरी पुअर, बहुत गरीब हो गया, बिकेम का मतलब हो गया, वेरी का मतलब बहुत, पुअर का मतलब गरीब, नाउ, नाउ, अब, नाउ का मतलब होता है अब, ही डिड नॉट इवन हैव इनफ फूड, ही डिड नॉट
इवन हैव एनफ फूड, यहाँ तक कि उसके पास पर्याप्त मात्रा में भी खाना नहीं था। इनफ का मतलब होता है पर्याप्त, इवन का मतलब भी, डिड नॉट हैव नहीं था, फूड खाना। टू ईट खाने के लिए, ईट का मतलब होता है खाना, यहां तक कि उसके पास पर्याप्त मात्रा में भी खाने को नहीं था। वन डे एक दिन, वन डे का मतलब है एक दिन, द किंग ऑफ द गॉड्स, द किंग्स ऑफ द गॉड्स, भगवानों के राजा, गॉड्स का मतलब है भगवानों के, किंग का मतलब होता है राजा, केम का मतलब होगा आए, टू हिम उसके पास, इन द गाइज ऑफ अ बेगर, इन द गाइज ऑफ अ बेगर, एक भिखारी के रूप में, इन द गाइज ऑफ का मतलब होगा का रूप धारण करके या फिर के रूप में, या गाइज का मतलब होता है रूप धारण करना, रूप धारण करना। तो भगवानों के राजा भिखारी का रूप धारण करके उसके पास आए, एंड बिग्ड और भीख मांगी, बिग का मतलब होता है भीख मांगना। फॉर फूड खाने का, उन्होंने खाने की भीख मांगी, द रिच मैन हैड ओनली वन लोफ, द रिच मैन हैड, उस अमीर आदमी के पास थी ओनली वन लोफ, सिर्फ एक टुकड़ा, लोफ का मतलब ऐसे होता है निवाला, लेकिन हम यहां इसे कहेंगे टुकड़ा, एक ही टुकड़ा, ओनली का मतलब सिर्फ, ऑफ ब्रेड का, उस अमीर आदमी के पास सिर्फ एक ही टुकड़ा ब्रेड का था, विच का मतलब होगा जिसे, ही वॉज ईटिंग जिसे वो खा रहा था, हिमसेल्फ खुद ही, हिमसेल्फ का मतलब है खुद ही, बट लेकिन विदाउट एनी हेजिटेशन बिना किसी हिचकिचाहट के, विदाउट का मतलब है बिना, एनी का मतलब किसी, हेजिटेशन का मतलब होता है हिचकिचाहट, इमीडिएटली का मतलब होगा तुरंत ही, प्लेस्ड रख दिया, प्लेस्ड का मतलब होता है रखना, प्लेस्ड है तो रख दिया, द ब्रेड उस रोटी को, इन द हैंड्स ऑफ द बेगर, इन द हैंड्स हाथों में, ऑफ द बेगर भिखारी के, उसने तुरंत ही बिना किसी हिचकिचाहट के रोटी को भिखारी के हाथों में रख दिया, बेगर का मतलब होता है भिखारी, द किंग ऑफ द गॉड्स, द किंग ऑफ द गॉड्स, भगवानों के राजा, वॉज वेरी हैप्पी बहुत खुश हुए, वेरी हैप्पी को हम प्लीज्ड भी कह सकते हैं, अगर यहां पर लिखा होता द किंग ऑफ द गॉड्स वॉज प्लीज्ड
तो उसका भी मतलब यही होता कि भगवानों के राजा बहुत खुश हुए। टू सी दिस, टू सी दिस, इसे देखकर, सी का मतलब होता है देखना, दिस है तो इसे। ही इमीजिएटली रिटर्न्ड, ही इमीजिएटली, उन्होंने तुरंत ही, इमीजिएटली का मतलब होता है तुरंत ही, रिटर्न्ड वापस कर दिए, रिटर्न का मतलब वापस कर दिए या फिर लौटा दिए, ऑल हिज मनी, ऑल हिज मनी, उसका सारा पैसा, ऑल का मतलब होगा सारा, हिज उसका, मनी पैसा, उसका सारा पैसा उन्होंने लौटा दिए। ही ऑल्सो एक्नॉलेज्ड दैट, ही ऑल्सो एक्नॉलेज्ड, उन्होंने इसे माना भी, ऑल्सो का मतलब है भी, एक्नॉलेज का भी मतलब होता है मानना, एक्नॉलेज्ड है तो माना, दैट कि द मैन हैड, इस आदमी के पास है अ हार्ट ऑफ गोल्ड, हार्ट ऑफ गोल्ड, एक सोने का दिल, उन्होंने भी माना कि उस आदमी के पास एक सोने का दिल है। ऐसे तो यहां पर हैड है तो इसका सेंस आएगा उसके पास सोने का दिल था, लेकिन स्टोरी के हिसाब से इसका मतलब होगा कि उसके पास सोने का दिल है। उम्मीद करता हूँ कि इस क्लास में बताई गई वर्ड मीनिंग्स आपको अच्छी लगी होंगी। सबसे अच्छा वर्ड कौन सा लगा इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी तरह की वीडियोस के साथ साथ ढेर सारी रीडिंग की, ट्रांसलेशन की और बहुत सी इंग्लिश सीखने वाली वीडियोज़ पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो किसी न किसी अपने एक दोस्त को, मित्र को, परिवार वाले को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।